में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे आलू कुलचा, जिसे हम तवा कुलचा भी कहते हैं। तो इसे हम तवे पर बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक कप मैदा लिया है, मैंने इसे छान करके रख लिया है। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और हमने लिया है एक छोटा चौथाई चम्मच नमक, इसे इसके अंदर डालेंगे। और हमने लिया है एक चम्मच इनो पाउडर, आप चाहें तो इसकी जगह बेकिंग सोडा ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। इसे हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे। एक छोटा चम्मच घी डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम आधा कच्चे, थोड़ा सा कम है दही डालेंगे, ये खट्टा दही है, इसे हम इसके साथ ही डाल देंगे। और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। इसे मिलाते जाएंगे बराबर, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें इस तरीके से फैलाते हुए गूंथना है, हाथों से प्रेशर देते हुए हमें इसे मसल लेना है। इससे कुलचे हमारे बहुत मुलायम बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो एक से दो मिनट तक इस तरीके से इसे हम गूंथ लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये डो हमारा कितना मुलायम हो गया है। मैंने इसे मसलते हुए दो मिनट तक गूंथ लिया है। थोड़ा सा घी लगा देंगे, इसे पूरे डो में लगा देंगे और इसे 5-10 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, हम इसके लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने आलू को छील करके रख लिया है, आप देख सकते हैं मैंने 250 ग्राम आलू लिया था। मैंने इसे उबाल करके छील करके और इस तरीके से इसे मैश करके रख लिया है। तो इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो हमने नमक लिया है स्वाद अनुसार एक छोटा चम्मच, एक टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस कर लिया है, एक हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काटा है, हरी धनिया और पुदीने के पत्ते को मैंने मिक्स काटा है तो एक चम्मच मैंने इसे भी ले लिया है, एक छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर और एक बड़ा चम्मच हमने लिया है धनिया का पाउडर। ये वही धनिया का बीज है, मैंने इसे हल्का सा रोस्ट करके और इसे मोटा मोटा पीस लिया है। इससे कुलचे का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। ये सारी चीजें इसके अंदर हम डालेंगे, हमें वो सारी चीजें इसके अंदर डालनी है जो हम आलू के पराठे में डालते हैं। तो आप अगर और भी कुछ इसके अंदर डालते हैं तो और भी डाल सकते हैं। और हमने लिया है एक छोटी प्याज, इसे मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, इसे भी डाल लेंगे और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए हम कुलचा बनाना शुरू करते हैं। इसे साइड में रखेंगे, चकला ले लेंगे, आटे को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ये आटा हमारा काफी फूल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसका बहुत ही अच्छा कुलचा बनकर तैयार होगा। तो कुलचा थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ज्यादा ही आटा लेंगे और इसकी गोलियां बना लेंगे। तो इस तरीके से आटे को हम गोल कर लेंगे और इसकी कटोरी बना लेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। तो इसके अंदर हम स्टफिंग को भर लेंगे, एक से दो चम्मच जितना आसानी से आ जाए इसके अंदर हम भर लेंगे और इस तरीके से इसे हम बंद कर लेंगे। तो आलू भरने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा इसे हम फैला लेंगे। चलिए इसे हम बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम बिल्कुल गोल शेप में नहीं बेलेंगे, क्योंकि कुलचा थोड़ा सा लंबाई होता है। और इसके ऊपर से हम डालेंगे धनिया और पुदीना के पत्ते, थोड़ी सी कलौजी डालेंगे, ऑनियन सीड्स जिसे मंगरेल भी कहते हैं। ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। इस तरीके से ऊपर से डालने के बाद हल्का सा बेलन चलाएंगे जिससे ये आसानी से चिपक जाए। तो ये कुलचा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे सेकने से पहले हम इसके नीचे पानी लगाएंगे। जो लोग ज्यादा घी या तेल खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरीके से इसे बनाएं। तो हम कुलचे को हाथ में ले लेंगे और नीचे से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे कुलचे पर हम पानी लगाएंगे
इससे तवे पर चिपक जाएगा। और इधर मैंने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो इस तरीके से इसे हम डाल देंगे। आंच को हमने मीडियम स्लो रखा है, बहुत तेज आंच पे हमें नहीं सेकना है, तो इसे 2 मिनट तक हम छोड़ देंगे सिकने के लिए। तो जब तक कुलचा हमारा सिक रहा है, दूसरा कुलचा भी इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुलचा हमारा हल्का सा फूलने लगा है, मैंने इसे 2 मिनट तक सेक लिया है। तो हम क्या करेंगे, तो हम तवा को इस तरीके से पलट देंगे और इसे सेकेंगे। आंच को हम मीडियम कर देंगे और पूरे कुलचे पर इस तरीके से हम सेकेंगे। आप देख सकते हैं तो इस तरीके से मैंने इसे सेक लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे हल्का सा चिमटे से दबा दिया था जिससे ये गिर न जाए। तो आप चाहें तो इस तरीके से इसे निकाल करके और चिमटे से पकड़ करके भी सेक सकते हैं। तो ये कुलचा हमारा बहुत अच्छी तरीके से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और हम दूसरा कुलचा बनाएंगे। तो दूसरा कुलचा हम दूसरी तरीके से बनाएंगे, इसमें हम घी लगा के बनाएंगे, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके नीचे हमें पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से इसे हम तवे पर रख देंगे। आंच को हमने मीडियम रखा है, तो 2 मिनट तक मैंने इसे सेक लिया है। तो थोड़ा सा घी डाल देंगे किनारे से, और कुलचे को हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं नीचे साइड में कितने अच्छे से सिक गए हैं ये। थोड़ा सा घी और डाल देंगे। इसे भी 2 से 3 मिनट तक हम सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से ये कुलचा हमारा अच्छी तरीके से सिक चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके की कुलचा बनाना बताया है, आपको जैसे पसंद हो आप बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने घी नहीं लगाया है और ये घी वाला कुलचा है। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो हमारा तवा कुलचा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने 2 तरीके के कुलचे बनाए हैं, आप देख सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं। तो मैंने इसे छोले के साथ रखा है, इसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी बना सकते हैं, पनीर की सब्जी बना सकते हैं, चटनी ले सकते हैं। आपको अगर इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मैंने इसके साथ सैलेड रखा है। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका तवा कुलचा कैसा बना।